अब हम आपको ब्रिटेन से आई एक खबर के बारे में बताना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को गुपचुप तरीके से तीसरी शादी रचा ली। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में लगभग 200 वर्षों के बाद ऐसा हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने इस पद पर रहते हुए शादी रचाई है। बोरिस जॉनसन से पहले वर्ष 1822 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट जेनकिंसन ने इस पद पर रहते हुए शादी की थी। इसलिए आज हम ब्रिटेन की इस ऐतिहासिक शादी का भी आपके लिए विश्लेषण करेंगे। बोरिस जॉनसन की कैरी सिमंस के साथ ये तीसरी शादी है। हालांकि कैरी सिमंस वर्ष 2019 से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में बोरिस जॉनसन के साथ रह रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन के इतिहास में बोरिस जॉनसन अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना शादी किए प्रधानमंत्री आवास में अपनी मंगेतर के साथ रहे। जून 2019 में पहली बार बोरिस जॉनसन और कैरी सिमंस के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं। तब बोरिस जॉनसन का उनकी दूसरी पत्नी से तलाक हुए एक वर्ष ही हुआ था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है मरीना विला। बोरिस जॉनसन और उनकी शादी 25 वर्षों तक चली थी और उन्हें दूसरी पत्नी से 4 बच्चे भी थे। यह रिश्ता काफी मजबूत माना जाता था। मरीना विला से उन्होंने वर्ष 1993 में शादी की थी। जब इस शादी को 11 वर्ष हुए तो 2004 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन को उनके पद से हटा दिया था क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ उनका अफेयर चल रहा था। यही नहीं, वर्ष 2013 में कोर्ट के एक फैसले में ये बात सामने आई थी कि शादी के बाहर भी बोरिस जॉनसन के कई महिलाओं से संबंध हैं और उनकी एक संतान भी है। हालांकि तमाम बातों के बावजूद उनकी दूसरी शादी नहीं टूटी, जबकि ये वही समय था जब कैरी सिमंस की उनसे मुलाकात हुई। कैरी सिमंस 2010 से कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य थी। जब वर्ष 2012 में बोरिस जॉनसन ने लंदन के मेयर पद का चुनाव लड़ा तो वो उनके लिए प्रचार कर रही थी। हालांकि दोनों ने सगाई 2019 के अंत में की और शादी से पहले उनका एक बच्चा भी है। बोरिस जॉनसन और कैरी सिमंस की उम्र के बीच 23 वर्ष का अंतर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की उम्र 56 वर्ष है और उनकी पत्नी की उम्र 33 वर्ष है। और यही वजह है कि शादी की भी अब सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं दूसरे देशों में भी चर्चा हो रही है। इस चर्चा की एक वजह यह भी है कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये शादी रचाई है। ब्रिटेन के इतिहास में हम आपको बार बार बता रहे हैं ये लगभग 200 वर्षों के बाद हुआ है, यानी 2 सेंचुरीज के बाद। यानी ये इस तरह की एक दुर्लभ शादी है। अक्सर इतने बड़े पदों पर बैठे नेताओं से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। भारत में तो ये सोचना भी असंभव सा लगता है कि इस तरह की बातों को नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है। नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक शादी करेंगे, उस रिश्ते को दूसरों के लिए मिसाल की तरह पेश करेंगे और उनका कोई अफेयर नहीं होगा। हालांकि इतिहास के पन्ने पलटें तो दुनिया भर में आपको ढेर सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की और जिनके तलाक की खबरें भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इसे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। इनमें पहले हैं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान। उनकी पहली शादी वर्ष 1995 में ब्रिटेन की मशहूर पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता जमीमा गोल्डस्मिथ से हुई, लेकिन यह शादी 9 वर्ष ही चल पाई और 2004 में दोनों का तलाक हुआ। इसके बाद इमरान खान ने वर्ष 2014 में ब्रिटेन की मशहूर पत्रकार रेहम खान से दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी सिर्फ 10 महीने चली और 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया। इस तलाक के 3 वर्षों के बाद फरवरी 2018 में इमरान खान ने तीसरी शादी की और यह शादी तब हुई जब पाकिस्तान में आम चुनाव चल रहे थे। इस शादी के बाद ही वो अगस्त 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इस सूची में दूसरा नाम है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी का। वर्ष 2007 में निकोलस सार्कोजी ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपनी दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया और इस तलाक के 1 वर्ष के बाद ही तीसरी शादी कर ली। उनकी तीसरी शादी फ्रांस की मशहूर मॉडल कार्ला ब्रूनी से हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला ने भी अपने पद पर रहते हुए वर्ष 1996 में अपनी दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया था।
दिलचस्प बात यह है कि नेल्सन मंडेला अपनी दूसरी शादी के 5 वर्ष के बाद ही वर्ष 1963 में जेल चले गए थे। उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए उनकी दूसरी पत्नी ने काफी संघर्ष किया था। ये शादी 38 वर्षों तक चली, जिनमें से 27 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए। लेकिन जब वो जेल से आए तो उसके कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए तलाक दे दिया। नेल्सन मंडेला ने वर्ष 1998 में इस पद पर रहते हुए तीसरी शादी भी की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न भी इस वर्ष शादी करने वाली हैं। उनकी उम्र 40 वर्ष है, ये उनकी पहली शादी होगी। जेसिंडा आर्डर्न वर्ष 2018 में दुनिया की दूसरी ऐसी नेता बनी थी जिन्होंने इस पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था। इस सूची में ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री आंद्रेस पापांद्रो भी हैं। जब वो ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे तब देश में अनुचित यौन संबंध को अपराध माना जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस कानून को बदला और फिर वर्ष 1989 में अपनी 38 वर्षीय शादी से अलग हो गए। उम्र में अपने से 30 साल छोटी महिला से उन्होंने दूसरी शादी रचा ली। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते। भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस पद पर रहते हुए शादी नहीं रचाई और ना ही हमारे देश में कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री रहा है जिसने दो शादियां की हों, क्योंकि भारत में नेता नैतिकता के बंधन से बंधे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक नेता को ये सब शोभा नहीं देता। बड़ी बात यह है कि भारत में नेताओं को उनके निजी जीवन के आधार पर ही लोग परखते हैं। हालांकि कुछ मुख्यमंत्री जरूर ऐसे रहे जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की। इनमें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि हैं, उन्होंने 3 शादियां की थी। कहने का मतलब ये कि इस मामले में भारत की राजनीतिक संस्कृति काफी शालीनता से भरी है और यहाँ नेताओं के लिए उनका निजी जीवन ही उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब नेता अपने निजी जीवन में सही नहीं है तो जनता के लिए कैसे कुछ सही कर पाएंगे। भारत की संस्कृति इस मामले में बिल्कुल अलग है, लेकिन दूसरे देशों में ये कल्चर बहुत लोकप्रिय है।